ये बजाज पल्सर P50 देख रहे हैं, हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,16,000 से है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे और 10 कलर में ये गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी। एक स्ट्रीट बाइक है और पल्सर P50 140 किलो की एक मजबूत गाड़ी होने वाली है। इसके साथ ही जो इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, वो इसमें आपको 150 सीसी का मिल जाएगा फोर व्हीलर इंजन, जो लगभग 14 BHP की आपको पावर देगा। और इसके साथ ही इंजन आपको 13 Nm का ही आपको टॉर्क देने वाला है। यहाँ आपको सिंगल हॉर्न के साथ मिल जाएगी, ये रेड स्पोर्ट सी कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो इसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। नीचे इंजन गार्ड मिल जाएगा। किसी भी तरीके का इसमें आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सामने से अगर आप देखेंगे तो ये आपको पल्सर N160 की तरह देखने पर लगेगी। साथ ही में यहाँ पर आपको दिए हैं प्रीमियम से ग्राफिक, और जो इंडिकेटर है वो इसके आपको हैंडल बार के ही अंदर मिलेगा। और यहाँ आप अगर हम इसके टायर के साइज़ की बात कर लें तो इसमें आपको मिल जाएंगे 90-90 और 17 इंची के इसमें आपको टायर मिल जाएंगे। और लगे हैं इसमें प्रीमियम से ब्लैक एलॉय व्हील, और इसके साथ ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ही ये आती है। और इसके साथ ही इसमें आपको मिल जाएंगे 5 ट्रांसमिशन से ये गाड़ी ऑपरेट होने वाली है। स्टैंड में एक अलार्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसके फ्यूल टैंक की बात कर लें तो इसमें आपको मिल जाएगा 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, बड़ा फ्यूल टैंक है, जिसकी राइडिंग रेंज होने वाली है लगभग 600 किलोमीटर लगभग। और ये गाड़ी का जो माइलेज है वो इसमें आपको मिल जाएगा 50 km/L। ये एक 14 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पल्सर N160 की आपको याद दिलाएगा। FI सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही इस गाड़ी की अगर हम कीमत की बात कर लें तो इसमें आपको मिल जाएगी ये 1,37,000 ऑन रोड, क्योंकि ये ड्यूल चैनल ABS मॉडल देख रहे हैं, ड्यूल ग्राफिक के साथ देख रहे हैं। इसमें आपको एक 1,30,000 में मिल जाएगी, जो आपको एक पीछे भी डिस्क इसमें आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। और अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर की बात कर लें तो इसमें आपको ABS का साइन बताएगा, और इसमें आपको इंजन चेक बता देगा। इसमें आप ABS के साथ, RPM के साथ, 2 trip meter के साथ देख सकते हैं, अपना एवरेज भी बैटरी चेक देख सकते हैं। जो साधारण गाड़ी में कुछ फ़ीचर होते हैं, कुछ उसी तरीके के मीटर में आप फीचर देख सकते हैं, साइड स्टैंड देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पल्सर की इस मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये 3 ampere का इसमें आपको USB चार्जिंग का पॉकेट सॉकेट मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। ड्यूल कट हैंडल के साथ ही आपको मिलेगी, ये ड्यूल स्प्लिट सीट के साथ आने वाली। इसमें एक और मॉडल मिल जाएगा जिसमें आपको सिंगल सीट मिलेगी, तो उसकी कीमत इससे लगभग 7,000 रुपये कम होने वाली है। यहाँ आपको ग्रे ब्रेल मिल जाएगी पीछे की, और पीछे की टेल लाइट जो है वो LEDs में देखने के लिए मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप, प्रीमियम LED टेल लाइट इसमें आपको मिल जाएगी, यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो इसके इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर आपको हेलोजन मिल जाएंगे। और यहाँ नीचे में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो एक अच्छे सस्पेंशन माने जाते हैं। और डिस्क प्लेट की बात कर लें तो इसमें आपको मिल जाएगी 240 mm की डिस्क प्लेट, 110, 70 और 17 इंची का पीछे का टायर मिल जाएगा। और अब हम इसका साउंड एक बार आपको सुनवाते हैं। स्टैंड खोलने पर ये गाड़ी स्टार्ट होगी। यहाँ लगे हैं इसके लेग गार्ड, तो ये आप फिट करवा सकते हैं जो कंपनी से मिलते हैं। और ये सुन सकते हैं आप इसका साउंड, जो इसका साउंड है यार, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों तो यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं, दोनों स्प्लिट सीट इसमें आपकी ओपन हो जाएंगी, और सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी बैटरी, और बैटरी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें कैरी कर सकते हैं। सिंगल सीट वाला भी ओपन हो जाता है मॉडल, लेकिन ड्यूल में अलग अलग ओपन होता है। 5 साल की इसमें आपको वारंटी मिल जाएगी, जो आप 75,000 किलोमीटर तक कवर करवा सकते हैं। और इस बाइक की सीधी कॉम्पिटिटर होने वाली है यामाहा FZ-FI, उसी को टक्कर देने के लिए ये गाड़ी बनाई है। और इसके साथ ही पल्सर का जो रेगुलर मॉडल है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों की रेंज लगभग एक ही है, 5-6 हज़ार रुपये के कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। धन्यवाद।